देखिए, इस समय जो पावन पर्व आया है रमज़ान का, हमने सारे इनके धर्मगुरुओं की और जितने जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग सब निरंतर संपर्क में भी हैं लोग, क्योंकि इनकी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये कोविड के सिम्टम्स आए थे, पेशेंट्स हुए थे, इनकी सबकी बैठकें ली थी DIG सब हमने। हम लोगों ने यही समझाया था, इस समय सर्वोपरि है कि कोरोना वायरस से के को दूर करने के लिए चीज़ें ठीक हुई हैं। चंदन नगर में बहुत शांति हुई है कोरोना के पंडव से, नयापुरा, रानीपुरा, दौलतगंज, हाथीपाला, ये क्षेत्र बहुत ठीक हुआ है कोरोना के हिसाब से। लगभग 90% से ऊपर ठीक हो गए हैं शहरी ये क्षेत्र जो है। खजराना भी हमारा 80% तो हो गया है। खजराना में थोड़ा बहुत 15-20% कुछ केसेस आ रहे हैं या कुछ कुछ अंदर से, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है हम लोगों को। तो कोरोना वायरस के दृष्टिकोण से काफ़ी ये सुधर गए हैं। इनको समझाया हम लोगों ने यही है कि अपने को मेनली कोरोना वायरस से फाइट करना है। इस समय सर्वोपरि है कोरोना वायरस, क्योंकि उसको दूर करें। और कोरोना वायरस दूर करने के लिए जो भी रमज़ान के दौरान मूवमेंट होते हैं बिल्कुल प्रतिबंधित रहेंगे। नमाज के बारे में स्पष्ट कर दिया था कि जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं वो एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति स्थायी तौर पर धर्मस्थल के अंदर रह रहे हैं वही रहेंगे, और उन्हीं जो उनको दैनंदिनी अपने नित्य रूप से जो उनको पूजा अर्चना या जो भी धार्मिक क्रिया करनी है वही कर सकेंगे। उसमें बाहर से अंदर जा कर के कोई धार्मिक कार्य करना या अंदर से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा, ये भी स्पष्ट कर दिया गया था। कुछ सामग्रियों को वितरण को लेके थी वो भी स्पष्ट कर दिया था, जो 15 आइटम है हमारे, हम उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैकएंड पे उसमें व्यवस्थाएं लगती हैं। और दूसरा, हम भी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ज़्यादा सड़कों में निकलें, घर पे रहें, क्योंकि सुधार जो शहर में हो रहा है इसका प्रमुख कारण लॉकडाउन ही है कि उससे नहीं फैल रहा है। और जहाँ 28 तारीख तक जो लोग वायरस लेके बैठे थे अपने घरों में, वही चीज़ें बस आ रही हैं अभी, तो लॉकडाउन से फ़ायदा हो रहा है शहर को, उसके बारे में समझाया। और अन्य तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। कोई भी अभी रमज़ान की वजह से, मैंने क्लियर कर दिया है सभी को, रमज़ान की वजह से कोई भी विशेष नहीं, जो लॉकडाउन है, जो सख्ती है, जो कर्फ्यू है, जैसे धर्मस्थल बंद रहेंगे वैसे ही रहेंगे। कोई अतिरिक्त सामान हम लोग इसके लिए नहीं देंगे, क्योंकि अन्य भी धर्मों के सभी जो बीच में त्यौहार आए हैं सभी भी ये निर्देशों का पालन किया है और समान रूप से सबका पालन हो रहा है। सभी धर्मों के लिए इस समय समान रूप से पालन इसलिए कराया जा रहा है कि सर्वोपरि है कोरोना वायरस से दूर करना। किसी प्रकार की रियायत के बाद जो कमर्शियल कल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुआ है, उसमें अगर अपन सोचेंगे कोई शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की कोई दुकानें खुल जाएंगी, बिल्कुल नहीं खुलेंगी, यहाँ कर्फ्यू लगा रखा है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन है, एंड ऑफ द डे वो लोकल टीम से, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर से गवर्न होती हैं। फिर अगर हमको लगता है कि यहाँ उचित नहीं खोलना तो हम लोग नहीं खोलेंगे, और हम लोगों का मानना है कि अभी जो फ़ायदा हो रहा है शहर को खोल देने से उसमें नुकसान होगा। आज अगर शहर खुल जाता है तो जो स्थिति मैंने 29 तारीख की रात या 1 अप्रैल में देखी थी वो होने में 5 दिन लगेंगे, इसलिए वो बिल्कुल नहीं खुलेंगी वो। और जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कहीं कोई संशोधन रियायत कोई बात नहीं है किसी मामले को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इंदौर की, मतलब ऑलमोस्ट उनका हर 1-2 दिन में फ़ोन आता है, वो सारे लोगों से बात करते हैं, कोई कहाँ रिव्यू करते हैं पूरा, फिर भोपाल में उनका रिव्यू होता है तो उसमें सीनियर ऑफिसर सब इसको इंदौर को जो भी कमियाँ होती हैं पूछते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, जो जी हम लोग मांगते हैं उसके लिए फॉलोअप भी आता है कि आप वो पूर्ति हुई कि नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से टेस्ट किट छोड़ दीजिए, टेस्टिंग की जो स्पीड थोड़ा बढ़ जाए वो, बाकी तो शहर में जो हम लोग चाह रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं हम लोग, सभी सरकार पूरा मुहैया करा रही है और मिनिमम टाइम में मुहैया हो रहा है पूरा। जो ये आपने 11 सेक्टर में पूरा शहर है अपना, CSP वार, SDM वार जो है, तो हमारे इंसिडेंट कमांडर्स ही SDM CSPs भी हैं, हमारे इंसिडेंट कमांडर ADM और HSPs भी हों, सारी टीमें जो हम लोग लगा रहे हैं, चाहे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीमें हों, चाहे सर्वे की टीमें हों, एंड ऑफ द डे बैकएंड पे कंट्रोल रूम एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो वो मैनेज कर रहे हैं कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, पर फील्ड में पूरी कंट्रोलिंग SDMs की और ADMs की है और कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर्स की है इसमें। तो इंसिडेंट कमांडर के हिसाब से वही होता है पूरा कंटेनमेंट प्लान है, जो हमने बोले सर्वे करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, ये हमारा कंटेनमेंट प्लान है, ये जो पूरा हम लोग बैकएंड में स्ट्रॉन्ग ICT मेजर से कंट्रोल कर रहे हैं, ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, कंट्रोल कमांड सेंटर्स के माध्यम से कर रहे हैं, पर फील्ड में कंट्रोलिंग यही इंसिडेंट कमांडर्स करते हैं पूरा। किसी पेशेंट पॉजिटिव आता है, किसी अस्पताल में शिफ्ट करना है, कहीं नया क्षेत्र कोई उभर के आया कि वहाँ पेशेंट आए, उस क्षेत्र को पूरा हमको उसके ब्लॉक करना है, उस कंटेनमेंट एरिया जो रहता है कि सीमाओं पे ब्रैकेटिंग करनी है, मुर्गा जाली लगानी है, वो पूरा ये लोग करते हैं। वहाँ के घर वालों को क्वारंटाइन करना है वो करते हैं, अगर छोटा घर है होम क्वारंटाइन नहीं हो सकता है, स्टेशन क्वारंटाइन करना है तो वो काम करते हैं, सर्वे टीमों में नियंत्रण करते हैं पूरा, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम है वो SDMs को दी हुई है वो पूरा करते हैं। तो इंसिडेंट कमांडर मतलब ओवरऑल इंचार्ज इन सब एक्टिविटीज़ का। तो हम लोग रेगुलरली ADMs SDMs को ब्रीफ करते रहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, खूब मेहनत कर रहे हैं सब लोग। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी, जो हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इनके जितना भी स्वास्थ्य के लिए हो सकती है, जो भी अपने को अगर लगता है हम कहीं पे कि डॉक्टर्स को बड़ा क्लियर बोला है CMHO ऑफिस में, कहीं भी ऐसा लगता है किसी को तकलीफ हो रही है उसमें उसको रेस्ट का बोलते हैं हम लोग, कहीं ऐसा लगता है कि कोरोना टाइप के सिम्टम्स है तो क्लियर इंस्ट्रक्शन से मेरे
कहीं भी सरकारी अमले पे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे प्रशासनिक लाइन रेवेन्यू का हो, पुलिस का हो, इमीडिएट सैंपलिंग करके आप उसकी टेस्टिंग कराइए। मतलब ये अच्छी बात है कि अधिकांश में निगेटिव आई है सैंपलिंग अभी जो कराई है हम लोगों ने, पर क्लियर इंस्ट्रक्शन सी एम ओ जो ऑफिस में डॉक्टर मलाकार को है, जहाँ भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं आपको फ्रीडम है मेरी तरफ से कि आप तत्काल इनकी सैंपलिंग कराइए। कोई डॉक्टर अन्य किसी बीमारी से प्रॉब्लम है, जैसे हमारे सी एम एच ओ साहब को कमर की प्रॉब्लम है, तो उनको मैं जबरदस्ती मैंने घर पर बैठा रखा है, अभी घर पर बैठ के पूरा मैनेज कर रहे हैं सी एम एच ओ साहब हमारे, और मेहनत कर रहे हैं खूब, क्योंकि कमर के सीवियर प्रॉब्लम है उसको, वो जुनून है लोगों में काम करने का जो दिख रहा है फील्ड में, तो पूरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी चिंता भी हम लोग कर रहे हैं पूरे।